हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्षु। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम डीएनएस सर्वर एंड डीएनएस क्लाइंट को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो का एम है हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर एंड डीएनएस क्लाइंट। तो चलिए हम अपना टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। आज के इस टोपोलॉजी क्रिएट करते समय हमें एक पीसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक पीसी ले लेते हैं और हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम स्विच में 2950 24 का स्विच ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सर्वर ले लेते हैं और इसे हम कनेक्शन देते हैं कॉपर स्ट्रेट वायर से। फास्ट इथरनेट 0, जो भी पहला रिकमेंडेशन आया वो, फिर यहाँ पे स्विच से फास्ट इथरनेट 0 और सर्वर पे कनेक्शन। तो हमारे समझने के लिए यहाँ पे मैं इनको आईपी एड्रेसेस दे देती हूँ। तो हमारे पीसी का आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.1.5 और हमारे सर्वर का 192.168.1.1। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने पीसी और सर्वर को आईपी एड्रेस दे दिया है। तो हमें यही आईपी एड्रेस हम यूज़ करेंगे इस टोपोलॉजी कनेक्शन के लिए। तो सबसे हम पहले हम पीसी पर जाते हैं, फिर डेस्कटॉप पर, फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे वो आईपी एड्रेस डाल देते हैं 192.168.1.5। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम डीएनएस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमें जो ये सर्वर का आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे हमें डालना होगा जब हम पीसी को आईपी एड्रेस अलॉट कर रहे हैं तभी। यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस डाला और यहाँ पे देखिए ये डीएनएस सर्वर के सामने ही हमें सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो देना होगा। तो सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। सेव कर दिए। फिर अभी हमें सर्वर पर जाना होगा। सर्वर पर जाने पर डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे इसके आईपी एड्रेसेस अलॉट कर देने। तो सर्वर का आईपी एड्रेस था 192.168.1.1 और यहाँ पे भी इसको डीएनएस सर्वर पे सर्वर का ही आईपी एड्रेस वापस हमें पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस 1.1 ही है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 192.168.1.1 हमने आईपी एड्रेस डाल दिए। उसके बाद हमें सर्वर पर क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे सर्विसेज पर जाना होगा। सर्विसेज में जाने के बाद सबसे पहले वाला एचटीटीपी हम क्लिक कर देंगे। एचटीटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं index.html का एक फाइल है। तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसे एडिट करते हैं। चलो यहाँ पे मैं H1 का टैग ले लेती हूँ और लिखती हूँ क्रिएटेड बाय लक्ष्मी शाहू H1 और इसे सेव कर देती हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि मैं फाइल को ओवरराइट कर सकता हूँ क्या, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर देखिए हमारा index.html फाइल को चेंज कर दिया है। अभी हमें यहाँ से डीएनएस पर क्लिक करना होगा। तो मैं डीएनएस पर क्लिक करती हूँ और डीएनएस सर्विसेज को ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे हमें कोई भी एक नाम देना होगा आपका वेबसाइट का, जैसे कि मैं अपने वेबसाइट का नाम दूंगी www.lakshmi.com और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस डालूंगी। कौन सा आईपी एड्रेस डालूंगी, ये वाला 192.168.1.1। तो वो एड्रेस मैं डाल देती हूँ 192.168.1.1 और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा डीएनएस रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया है। तो अभी हम देखते हैं जो हमने डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पे सर्वर पे जो ऐड किया है वो क्या हमें पीसी पर दिखाई देता दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम पीसी पर क्लिक करते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर यहाँ पे इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ। यहाँ पे जाने डेस्कटॉप पर जाने बाद हमें वेब ब्राउज़र पर जाना है। वेब ब्राउज़र पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यूआरएल में जो आपने यूआरएल दिया था, जैसे कि मैंने दिया था www.lakshmi.com, तो मैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने इंडेक्स फाइल को एडिट किया था वो फाइल यहाँ पे मुझे दिख रही, वो पेज ओपन हो चुकी है। ये कैसे हुआ, हमने डीएनएस के थ्रू
सर्वर के थ्रू हमारे पीसी में चेंजेस किए हैं। तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया डीएनएस सर्वर और डीएनएस क्लाइंट का। तो आज के वीडियो में हमने यही सीखा कि हम डीएनएस सर्वर और क्लाइंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है जो मैंने अपना वेबसाइट का नाम डाल के ये पेज ओपन हुआ हमारा वेबसाइट। अभी मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। अभी मैंने ये पूरा आईपी एड्रेस का वो क्लीन कर दिया। अभी वेब ब्राउजर में वापस गई मैं। अभी मैं अपना यूआरएल के जगह अभी मैं अपना वो आईपी एड्रेस डाल दी 192.168.1.1। तो यहाँ पर देखिए अभी भी वही पेज खुला। तो ये पेज क्यों खुल रहा है? क्योंकि हमने सर्वर पर यहाँ पे नेम और एड्रेस, जो भी आपका नेम और एड्रेस होगा, आप किसी कोई भी एक चीज़ से आपके वेबसाइट को कॉल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया वीडियो में तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।